तो ये देखिए हमारे पनीर पॉपकॉर्न बाहर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और दिखने में बिल्कुल कैरमल पॉपकॉर्न की तरह है। इसका गोल से बहुत ही दिखने में अच्छा लगता है। तो ये रेसिपी कैसे बनेगी चलिए देखते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप देख रहे हैं आज कलिनरी, और आज हम बनाने वाले हैं पनीर पॉपकॉर्न। जी हाँ, हम पनीर पॉपकॉर्न बनाने वाले हैं। बहुत ही फेमस स्टार्टर है पनीर पॉपकॉर्न। रेसिपी इंस्पायर है चिकन पॉपकॉर्न रेसिपी से। ये वेजिटेरियंस के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्नैक्स और स्टार्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को और देखते हैं पनीर पॉपकॉर्न कैसे बनाया जाता है। तो पनीर पॉपकॉर्न बनाने के लिए पहले हम एक मिक्सचर बनाएंगे। तो यहाँ पे एक बाउल मैंने ले लिया है और इस बाउल में हम डालेंगे मैदा। तो 2 चम्मच हम मैदा डाल देंगे और उतना ही हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर, यानी कि जितना हमें मैदा लेना है उतना ही कॉर्नफ्लोर भी इसमें हम डाल देंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने कुछ सूखे मसाले। तो शुरुआत हम करेंगे रेड चिली पाउडर से। आप चाहें तो कायन पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही यहाँ पे काली मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग हम डालेंगे यहाँ पे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप अपने पसंद का कोई भी मसाला डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पे नमक ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को मिक्स करके हम साइड में रख लेंगे। तो इस मिक्सचर को हम साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है पनीर 200 ग्राम है, इसे मैंने आधे इंच के टुकड़ों में इस तरीके से काट लिया है। और ये मलाई पनीर है, यानी कि जो नरम पनीर होते हैं उसे आपको लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है अदरक और लहसुन बिल्कुल चॉप किया हुआ, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लिया है मैंने। आप चाहें तो इन दोनों का पेस्ट भी बना सकते हैं, 1 चम्मच डाल दें आप। इस रेसिपी में जाता है गार्लिक और अनियन का पाउडर, तो वो सबके पास अवेलेबल होता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन को बिल्कुल बारीक काट लिया, थोड़ा सा अदरक डाला है, अदरक का टेस्ट मुझे पसंद है इसलिए डाला है। आप चाहें तो लहसुन नहीं पसंद करते तो लहसुन ना डालें, सिर्फ अदरक भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं डालने वाला हूँ रेड चिली सॉस, तीखी जो लाल चटनी होती है उसे मैं डालने वाला हूँ। और इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसे डालने के बाद सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। तो रेड चिली सॉस को आपको डाल के सारी चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद जो हमने कॉर्नफ्लोर और मैदे का मिक्सचर बनाया था उसे आप इस तरीके से डाल के फिर सारी चीज़ों को मिक्स कर दें। इससे होगा क्या कि इस पर बहुत ही अच्छी और थोड़ी मोटी सी कोटिंग हो जाएगी। होता क्या है कि बहुत से लोग बैटर बना के फिर पनीर को डिप करते हैं और एक्स्ट्रा बैटर बच जाता है, तो इस तरीके से बैटर आपका बचेगा नहीं, सारा ही मिक्सचर आपका यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ, लगभग 1 चम्मच के आसपास, जिससे कि ये थोड़ा सा गीला हो जाए। उसके बाद हम इस पे ब्रेड क्रम या कॉर्नफ्लेक्स आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कॉर्नफ्लेक्स है। ये कॉर्नफ्लेक्स मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसकी जो कोटिंग होती है बहुत ही क्रिस्पी होती है और लंबे समय तक चलती है। अगर आप ब्रेड क्रम लगाते हैं तो उसकी जो कोटिंग होगी वो ज़्यादा देर क्रिस्पी नहीं रहती है। तो यहाँ पर पनीर का मिक्सचर मैंने ले कर इस पर इस तरीके से लगा दिया है और हाथों से ले कर इसको दबा देंगे, जिससे कि मिक्सचर जो है इसकी कोटिंग जो है वो निकले नहीं। इसी तरीके से फिर से हम पनीर को लेंगे और फिर से इसमें हम रखेंगे और इसे कोट कर देंगे। अगर आपको किसी भी स्टेज पे पनीर थोड़ा ड्राई लगता है तो थोड़ा सा फिर से आप पानी मिला लें और इस तरीके से कॉर्नफ्लेक्स में इसे डाल के इस तरीके से हाथों से दबा के और फिर आप इसे साइड में रख दें। तो मैंने सारे ही पनीर को इस तरीके से कॉर्नफ्लेक्स में कोट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि लगभग ना के बराबर हमारे पास बैटर और ये कॉर्नफ्लेक्स बचा है। इस तरीके से मैंने इसे ट्रे में लगा के अलग अलग रखा है, जिससे कि ये आपस में चिपकेंगे नहीं। और अब हमें इसे रखना है फ्रिज में 15 मिनट के लिए। फ्रिज में रखने का रीज़न ये होता है कि जो हमने कोट किया है वो कोटिंग अच्छी तरीके से पनीर के साथ चिपक जाए। तो अब हमें क्या करना है, 15 मिनट के बाद फ्रिज से आप निकालें और कढ़ाई में तेल को अच्छी तरीके से गर्म करें। मीडियम फ्लेम पे आपको तेल को गर्म करना है, तो इसे आपको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लेना है। अब यहाँ पे एक प्लेट में मैंने श्रेडेड पत्ता गोभी इस तरीके से फैला के रख लिया है, जिससे कि हम गर्म गर्म पनीर पॉपकॉर्न निकालें और इसे तुरंत हम सर्व करें। तो तेल हमारा मीडियम फ्लेम पर गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर एक एक करके हम इस तरीके से पनीर के पॉपकॉर्न को इसमें डालेंगे फ्राई करने के लिए। अब आप चाहें तो एक साथ भी डाल सकते हैं इसे, लेकिन एक साथ डालने में होता क्या है कि कभी कभी ये चिपक जाती है, तो आप इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं। एक बार में आप 10 से 12 पनीर पॉपकॉर्न को कढ़ाई
कढ़ाई में डाल सकते हैं जिससे कि वो अच्छे से फ्राई हो सके। इसे फ्राई करने में आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा गैस का फ्लेम तेज करके इसे फ्राई नहीं करें आप, वरना इससे होगा क्या कि ये बाहर से जल सकते हैं। तो अच्छे से मीडियम फ्लेम पे आप इसे गर्म करिए तेल को, फिर उसके बाद इसे आप फ्राई करिए। बारी बारी इस तरीके से डालिए, आपके पनीर के पॉपकॉर्न जो हैं वो अलग अलग रहेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, कलर आएगा और ये जो है वो जलेगा नहीं। तो इसी तरीके से हम इसे फ्राई करते रहेंगे और यहाँ पे आखिरी बैच को भी मैं फ्राई कर लेता हूँ। तो 3 से 4 इस तरीके से पॉपकॉर्न अब मैं डाल रहा हूँ, तो आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं। बस इसे आप इस तरीके से चलाएं जिससे कि ये अलग अलग हो सकें और फिर इसे आप इस तरीके से गोल्डन फ्राई कर लें। तो ये रेसिपी थी हमारी पनीर पॉपकॉर्न की। दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और टेस्टी भी है, बाहर से क्रंची है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। आप इसे चिली सॉस के साथ या स्वीट चिली सॉस के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।